गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम नई क्लास के साथ आपके पास है। नया डायग्राम है थर्ड एनुअल इलेक्शन के लिए, ठीक है ना। बहुत ही जरूरी है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ जितनी भी क्लासेस चल रही हैं वो एग्जाम में आए हुए डायग्राम के ऊपर आधारित है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में आधारित क्लास यहाँ पे चलाई जा रही, तो जरूर इसको देखें, है ना। इसको बनाने की प्रैक्टिस करें। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आप अगर आईटीआई के स्टूडेंट हैं तो आप जरूर बहुत सारा मिस कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ सीखना है, खासतौर से फिटर के स्टूडेंट, चाहे वो सेकेंड ईयर के हों या फर्स्ट ईयर के हों, उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। इलेक्ट्रीशियन और अदर ट्रेड वालों के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में हर बार इस तरह के सवाल आते हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप 100% अच्छे नंबरों से एग्ज़ाम में पास होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आईटीआई में जुड़े हुए हैं इसका लाभ उठा सकें। ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं क्वेश्चन, एग्ज़ाम प्रिपरेशन क्लास चल रही है। देख सकते हैं ये डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें सबसे पहले ज्ञात करना होता है। ये देखिए फ्रंट व्यू के सामने हम क्या लेते हैं, लेंथ लेते हैं, ठीक है ना, और ऊंचाई लेते हैं। इसकी लंबाई कितनी है, देखिए 100 और यहाँ रेडियस दी हुई है 30। तो 100 में 30 जोड़ेंगे तो जो हमारी लंबाई है वो कितनी आ जाएगी, 130 है। इसी तरह से अगर हमको जब ऊंचाई लेना है तो हम काउंट कर लें 22 और 22, 44 प्लस 10 54, और 54 प्लस 50 104, दैट इज कॉल्ड हाइट। जो हम ऊर्ध्वाधर स्थिति में वर्टिकल कंडीशन पे लेते हैं उसको हम ऊंचाई जानते हैं। चौड़ाई आप सामने देख सकते हैं 60 mm है। वैसे भी यहाँ से काउंट करेंगे कि रेडियस 30 है तो इसका जो व्यास होगा वो 60 mm होगा, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जानने के बाद हम आगे के बाद
नहीं है, 30। तो हमने यहाँ पे 60 किया है, इसके बाद इस स्लोप को यहाँ 22 एमएम की हाइट पे मिला दिया, इसकी ऊंचाई कितनी है, 22 एमएम है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये फ्रंट व्यू का पोर्शन ये कंप्लीट हो जाता है। यहाँ जो आप ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं 10 एमएम का, कितने एमएम का है ये, 10 एमएम का। तो हमने 10 एमएम का और इसका जो व्यास कितना है 44, ये हम देख सकते हैं 44 लिखा हुआ है। इसके बाद जानकारी।